नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अपनी वीडियो को प्रोफेशनल लुक देना है तो तीन सेटिंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप DSLR यूज करते हैं या फिर मिररलेस कैमरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं तीन सेटिंग्स पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, शटर स्पीड क्या होती है हम उस पर चर्चा करेंगे, हम लोग अपर्चर के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि ISO क्या होता है। तो शुरू करते हैं। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं किसी भी शूट के लिए, क्योंकि ये तीनों सेटिंग्स हमारे एक्सपोजर को इफेक्ट करती हैं। अब सवाल आता है कि एक्सपोजर क्या होता है। अगर हम लोग एक्सपोजर की डेफिनेशन देखें, एक्सपोजर इज द अमाउंट ऑफ लाइट अलाउड टू हिट द इमेज सेंसर ऑफ योर कैमरा व्हाइल टेकिंग अ फोटो और कैप्चरिंग वीडियो। अगर आसान भाषा में समझे तो एक्सपोजर बताता है कि हमारी इमेज या वीडियो कितनी ब्राइट या डार्क है। जरूरत से ज्यादा अगर रोशनी है आपके वीडियो में तो उसको हम लोग ओवर एक्सपोज्ड वीडियो कहते हैं, और अगर आपकी वीडियो में रोशनी पर्याप्त नहीं है तो हम लोग उसको अंडर एक्सपोज्ड वीडियो बोलते हैं। दोस्तों, हर वीडियो का एक्सपोजर इन्हीं तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एंड ईच वन ऑफ दीज थ्री सेटिंग्स ऑल्सो हैज आर्टिफैक्ट, वेदर डेट बी गुड और बैड। आर्टिफैक्ट यानी वीडियो में मोशन ब्लर कितना है, नॉइस कितना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये तीनों इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हमारे एक्सपोजर को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि शटर स्पीड क्या होता है। शटर स्पीड इज हाउ लॉन्ग लाइट हिट्स द सेंसर ऑफ द कैमरा पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग लाइक 1/50th और 1/200th सेकेंड, शटर स्पीड विल इफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ योर वीडियो। आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी शटर स्पीड को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वीडियो का एक्सपोजर भी चेंज हो रहा है। इसके अलावा शटर स्पीड मोशन ब्लर को भी इफेक्ट करता है। अगर आपकी शटर स्पीड काफी स्लो है तो वी विल गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ मोशन ब्लर। इसमें प्रॉब्लम यह है, अगर आप काफी कम शटर स्पीड यूज करते हैं तो आपका सब्जेक्ट फोकस में नहीं होगा, कुछ भी शार्प नहीं दिखेगा और वीडियो ब्लरी होगी। अब अगर आप हाई शटर स्पीड में शूट करते हैं तो वीडियो में काफी जिटर आएगा एंड देयर विल बी नो मोशन ब्लर। इस वजह से आपकी जो वीडियो है वो काफी अननेचुरल लगती है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपकी वीडियो के लिए आइडियल शटर स्पीड क्या होनी चाहिए। बात करते हैं 180 डिग्री शटर रूल की। 180 डिग्री शटर रूल क्या है? 180 डिग्री शटर रूल एक मानक है जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय फ्रेम रेट या जिसको हम लोग FPS भी बोलते हैं और शटर स्पीड के बीच के संबंध को बताता है। जिस तरह से हमारी आंख देख सकती है उसी तरह के मोशन को एक कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए 180 डिग्री शटर रूल कहता है कि शटर स्पीड आपके फ्रेम रेट से दोगुनी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप सिनेमैटिक वीडियो शूट करते हैं तो आपको शटर स्पीड को हमेशा अपने फ्रेम रेट के दोगुना रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 30 FPS पे शूट कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड होगी वो होगी 1/60 seconds, लेकिन अगर आप 50 FPS पे शूट कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड होगी 1/100 seconds। अब जो दूसरा फैक्टर एक्सपोजर को चेंज करता है वो है अपर्चर। दोस्तों, शटर स्पीड में था हाउ लॉन्ग लाइट हिट्स द सेंसर ऑफ द कैमरा। अनलाइक शटर स्पीड, अपर्चर कंट्रोल्स हाउ मच लाइट हिट्स द सेंसर ऑफ द कैमरा। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो अपर्चर लेंस के भीतर का एक छेद है जिसके माध्यम से
लाइट कैमरे के भीतर आती है। लेंस जितना खुलता है यानी अपर्चर जितना बड़ा होता है उससे होकर लाइट की उतनी ही अधिक मात्रा गुजरती है। इस तरह लेंस का छिद्र जितना बड़ा होगा कैमरे के इमेज सेंसर को उतनी ही अधिक लाइट मिलेगी। अपर्चर को हम लोग एफ स्टॉप या एफ नंबर से मेजर करते हैं। यह नंबर जितना छोटा होगा लेंस की ओपनिंग उतनी ही बड़ी होगी। जैसे अगर आप लोग f1.8 यूज करते हैं तो f5.6 लेंस की तुलना में अधिक लाइट कैमरे के सेंसर तक पहुंचेगी। यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से याद कर ले। तकनीकी शब्दों में कहें तो एफ नंबर या एफ स्टॉप और अपर्चर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है। यानी अगर आपका एफ स्टॉप छोटा है जैसे 1.4, 1.8 तो आपका अपर्चर उतना ही बड़ा होगा और जितना बड़ा आपका अपर्चर होगा उतनी अधिक लाइट आपको मिलेगी। और अगर आप हायर नंबर यूज करते हैं जैसे f11, f16 तो आपके लेंस की ओपनिंग काफी छोटी होगी जिससे कम लाइट आपके कैमरे सेंसर को मिलेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपर्चर हमारे एक्सपोजर को इफेक्ट करता है। अपर्चर का जो आर्टिफैक्ट है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। अब डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है दोस्तों, सिंपल शब्दों में समझें तो किसी भी सब्जेक्ट के आगे और पीछे तक का कितना हिस्सा फोकस में है वो डेप्थ ऑफ फील्ड कहलाता है। किसी लेंस का अपर्चर को कंट्रोल करके हम डेप्थ ऑफ फील्ड को बदल सकते हैं। अपर्चर बड़ा यानी अगर आप एफ स्टॉप या एफ नंबर को छोटा रखते हैं तो आप वीडियो में शेलो डेप्थ ऑफ फील्ड पा सकते हैं। यहां पे आप एक वीडियो देख रहे हैं, इसमें शेलो डेप्थ ऑफ फील्ड है, सिर्फ हमारा मेन सब्जेक्ट ही फोकस में है, बाकी सब डिफोकस है। अगर हमें अपनी वीडियो में बोके इफेक्ट चाहिए जो कि आजकल काफी पॉपुलर है तो हम लोग एफ नंबर छोटा रख के उसे पा सकते हैं। अब अगर आपको वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो आप एफ नंबर या एफ स्टॉप बड़ा रख सकते हैं जैसे F8, F10, 11 या 16। जनरली लार्ज F नंबर हम लैंडस्केप शूट करते वक्त यूज करते हैं जिससे पूरा दृश्य फोकस में रहे। जितने ज्यादा F स्टॉप होगा उतना ज्यादा चीजें आपकी फोकस में होंगी। अपर्चर लेंस के अंदर का फीचर है लेकिन इसे सेट करने की सुविधा आपको कैमरे में मिलती है। अब जो लास्ट फैक्टर एक्सपोजर को इफेक्ट करता है वो है ISO। कैमरा ISO उसके सेंसर की प्रकाश संवेदनशीलता यानी लाइट सेंसिटिविटी है। ISO को 50, 100 से लेकर कई हजार के नंबर स्केल में व्यक्त किया जा सकता है, इन्हें ISO नंबर भी कहते हैं। हर मिररलेस कैमरे में या DSLR में सेंसर का मिनिमम और मैक्सिमम ISO नंबर निर्धारित होता है। इसी रेंज के अंदर आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने कैमरे में वीडियो के लिए ISO सेट कर सकते हैं। आप जितना ऊंचा ISO सेट करेंगे लाइट के प्रति सेंसर उतना अधिक सेंसिटिव होगा, परिणाम स्वरूप वीडियो का एक्सपोजर बढ़ेगा और वह अधिक ब्राइट होगी। आपने जो वीडियो शूट करी है वो कितनी ब्राइट या डार्क होगी ये केवल अपर्चर और शटर स्पीड के कारण इमेज सेंसर को मिलने वाली लाइट पर निर्भर नहीं करता। अपर्चर और शटर स्पीड से जितनी एक्चुअल लाइट सेंसर को मिलती है उसके प्रति इमेज सेंसर कितना सेंसिटिव है फाइनली इससे तय होता है कि हमारी वीडियो कितनी ब्राइट या डार्क होगी। आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ISO हमारी वीडियो के ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर रहा है, इसीलिए इसे एक्सपोजर निर्धारित करने वाला तीसरा स्तंभ मानते हैं। DSLR और मिररलेस कैमरास में ISO को 50 या 100 से लेके कई हजार तक की संख्या के रूप में सेट करने की सुविधा होती है। ISO नंबर जितना बढ़ाएंगे सेंसर की सेंसिटिविटी उतनी बढ़ेगी और उसी रेशियो में एक्सपोजर बढ़ेगा। इसी तरह ISO घटाने पर इसका उल्टा होता है यानी एक्सपोजर घटता है। ISO बढ़ाने से कैमरे का एक्चुअल लाइट इनपुट तो नहीं बढ़ता दोस्तों, लेकिन इमेज सेंसर को अपनी सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ जाती है। इसमें होता यह है कि सेंसर को बैटरी से अधिक पावर लेना पड़ता है
और इस वजह से इमेज सेंसर के पिक्सल गर्म हो जाते हैं। इसी कारण जब आप हाई एसओ पे अपनी वीडियो को शूट करते हैं तो आपकी वीडियो में नॉइस या ग्रेन दिखाई पड़ता है। ये एक तरीके का आर्टिफैक्ट है। अगर आप अपने कैमरे में बेस आईएसओ यूज कर रहे हैं वीडियो शूट के दौरान, तो आप देखेंगे कि आपकी वीडियो में डिटेल्स ज्यादा आ रहे हैं, आपकी वीडियो में शार्पनेस ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आईएसओ को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपकी वीडियो की क्वालिटी गिरती है और उसमें शार्पनेस कम दिखती है। लेकिन आधुनिक डीएसएलआर या मिररलेस कैमरों में आप 800 आईएसओ तक आसानी से जा सकते हैं। प्रैक्टिकली इसमें आपको ग्रेन फ्री वीडियो मिल सकती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ के बारे में। अब बात करते हैं अगर हमें किसी वीडियो के लिए तीनों को एक साथ सेट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको शटर स्पीड सेट करनी होती है। आप जितने भी फ्रेम रेट में शूट कर रहे हैं, आप उससे दोगुना शटर स्पीड यूज करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको अपना अपर्चर सेट करना पड़ता है। आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको शेलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए अपने वीडियो में या फिर वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड। इसके अकॉर्डिंग आप अपने अपर्चर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है आईएसओ आपको सेट करना होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।